नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप भी एक ईपीएस संचालक हैं, आधार कार्ड से पैसे उठाने का काम करते हैं, तो ऐसे में आप सभी को पता होगा 2024 आने के बाद से एनपीसीआई कई तरीके का रूल्स रेगुलेशन अपने सिस्टम में अपडेट कर रहे हैं। इन सभी रूल्स रेगुलेशंस को हम लोगों को फॉलो करना 2024 में मस्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोग ये रूल्स रेगुलेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो हम लोगों का आईडी डिसेबल या फिर बंद ब्लॉक हो सकता है। और आज के डेट में 2024 में अगर एक एईपीएस आईडी डिसेबल बंद या फिर ब्लॉक होता है तो उसको रीएक्टिव हम लोग नहीं कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो कई सारा लंबा प्रोसेस को अपनाने के बाद हम लोग उस आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। ऐसे में जो भी रूल्स रेगुलेशन एनपीसीआई एईपीएस की दुनिया से निकल करके आता है उसका अपडेट हम लोग आपको देते रहते हैं। अब मान लीजिए मैं एक रिटेलर हूँ, तो मैं तो और एक कंपनी का आईडी को यूज़ नहीं करूँगा। मेरे पास मल्टीपल कंपनी का आईडी है, या फिर आप अगर एक रिटेलर हैं तो आपके पास 2-3-4 कंपनी का, मैक्सिमम 5 तक भी किसी रिटेलर के पास आईडी रहते हैं, ताकि एक कंपनी का सर्वर में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरा कंपनी से हम लोग पैसा उठा सकते हैं। ये प्रोसेस को हम लोग कई अर्जों से करते आ रहे हैं, जहां पर एक कंपनी का आईडी से अगर दिक्कत होता है तो दूसरा कंपनी से हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। बट अब टाइम आ चुका है 2024 में कि किसी एक कंपनी का चयन आपको करना पड़ेगा, किसी एक कंपनी का आईडी को आपको चुनना पड़ेगा। अब ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मान लीजिए आप अगर मल्टीपल कंपनी का आईडी को यूज़ करते हैं, कोई एक कंपनी का आईडी से अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल जाता है तो आप दूसरे कंपनी में ट्राई करेंगे, या फिर अगर आपके पास तीसरा भी आईडी है तो तीसरा कंपनी में भी आप ट्राई करेंगे। ऐसे में जो भी रिक्वेस्ट मंत्रा मोर्फो भेजते हैं वो सेम प्रोसेस से होते हुए जाते हैं, तो ऐसे में आपका सस्पेक्टेड फ्रॉड के लिस्ट में आपका आईडी आ सकता है, या फिर फ्रॉड के लिस्ट में आपका आईडी आ सकता है। अगर सेम सिस्टम से आपका जो फिंगरप्रिंट है अगर जाता है बार बार, तो ऐसे में आपका आईडी को फ्रॉड माना जा सकता है। इसलिए आप कोई एक कंपनी को दिन भर यूज कीजिए और देखिए कि कौन सा कंपनी का आईडी आपको बेस्ट सर्विस दे रहा है, उसी कंपनी को चुने और डेली उसी कंपनी में आप ट्रांजेक्शन करें। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये कंपनी में ट्रांजेक्शन किया, कल आपने ये किया, परसों आपने वो किया, इससे अगर ट्रांजेक्शन फेल गया तो उससे किए। ऐसे अगर आप मल्टीपल टाइम्स अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को स्वैप करते हैं, मतलब ये कंपनी में किए फिर वो कंपनी में सेम फिंगरप्रिंट डिवाइस को अगर यूज करते हैं, तो ऐसे में आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है। आपका या तो फिंगरप्रिंट डिवाइस को ब्लॉक किया जा सकता है, या फिर आपका आईडी को ब्लॉक किया जा सकता है। और अगर बाई चांस आपका आईडी को ब्लॉक किया जाता है तो जितने सारे कंपनीज के पास से आपने आईडी लिए हुए हैं सभी आईडी को ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि जो भी आपका बैंक से ईकेवाईसी हुआ है वो आपके पैन कार्ड के थ्रू ही हुए हैं। इसलिए आज के डेट में प्रॉब्लम आने से पहले आपको तैयार रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में। तो सेफ यही रहेगा कि आप किसी एक कंपनी का आईडी को चुने और उसमें आप कंटिन्यू 2024 में ट्रांजेक्शन करें, ना ही कि मल्टीपल्स आईडी को यूज करें। तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि जितने सारे लोग हम लोगों को कॉल मैसेज करते हैं कि मेरे पास दो कंपनी का आईडी है, क्या सेम फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज कर सकते हैं, तो आपको बता दूं सेम फिंगरप्रिंट डिवाइस किसी दो कंपनी 3 कंपनी में नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कंटिन्यू करते हैं और सेम फिंगरप्रिंट को आप बार बार ये कंपनी वो कंपनी में करते हैं, तो या तो आपका आईडी ब्लॉक या तो फिर आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस ब्लॉक हो सकता है। सो सतर्क रहें, सावधान रहें, अच्छे से एईपीएस में ट्रांजेक्शन करें 2024 में। ये एईपीएस की दुनिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन से भर चुके हैं, ताकि फ्रॉड वगैरह का एक्टिविटी को रोका जा सके। ये सभी रूल्स रेगुलेशन का एक ही मकसद है कि फ्रॉड वगैरह को रोका जा सके। एनपीसीआई लगातार इसका ट्राई कर रहे हैं, सभी कंपनीज भी ट्राई कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।